स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, आज जो है हमारे पास में टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। अभी तक हमने जो है एडिशन के दो टाइप्स पढ़े हैं। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड जो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आज जो हम थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। फिर हम इनके वन बाय वन इसके प्रॉपर्टी एंड साथ में भी इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में मैंने क्या बताया था, जब आपके पास में क्या है, दो वेक्टर से एक वेक्टर इधर लाई कर रहा, दूसरा ऐसे लाई कर रहा है, फिर हम क्या बताते हैं, थर्ड साइड जो है अपोजिट ऑर्डर के अंदर होगी, वो क्या देगा इनका रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने यहाँ से नॉर्मल डाला था, ठीक है, इस वैल्यू को निकाली थी, इसको निकाली थी, और फिर हमने बड़ी वाली ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने क्या निकाले थे, उसका मैग्नीट्यूड निकाला था और साथ में क्या निकाला था, उसकी डायरेक्शन। आज जो हम पढ़ रहे हैं क्या है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी सिमिलर है। देखो, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास में दो वेक्टर अगर इस तरह से लाए गए हैं ए एंड बी, ये मान लो ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर है, तो अगर हम इन दोनों वेक्टर से क्या लें, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल हमें क्या देता है, इनका रिजल्टेंट देता है, और उस रिजल्टेंट का भी वही इफेक्ट आता है, सेम आता है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर हमने डेरिवेशन की थी, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम टाइप्स के हैं, बस डेरिवेशन एंड डायग्राम में थोड़ा सा डायग्राम के अंदर और डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, जब बहुत सारे वेक्टर्स एक साथ सेम ऑर्डर के अंदर लाई कर रहे हैं, तो उन सब का रिजल्टेंट हम एक सिंगल वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास किस साइड आएगा बेटा, अपोजिट ऑर्डर में। मान लो आपके पास एक वेक्टर इधर लाई करा, दूसरा इधर लाई करा, तीसरा ऐसे लाई करा, चौथा ऐसे लाई करा है, तो आपके पास इन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम क्या करेंगे, एक अपोजिट साइड क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे, वो अपोजिट साइड वेक्टर हमें क्या देगा, इन सबका रिजल्टेंट, और इसको हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग, यानी कि इसको पूरे को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, एक पाथ ले लेंगे क्लोज पाथ में, और वो क्लोज पाथ के अंदर जो लास्ट हम लेंगे साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो अब क्या देगा हमें, उनका रिजल्टेंट। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, ये चार वैक्टर थे जो एस किस तरह से लाई कर रहे थे, ये मान लो ए वैक्टर है, दूसरा वैक्टर इस तरह से है, तीसरा वैक्टर ये है, चौथा वैक्टर ये है, सेम ऑर्डर में लाई कर रहा है। सेम ऑर्डर का मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट वैक्टर का हेड सेकंड वैक्टर की टेल के साथ कौन सा कर रहा है, ये भी हेड का इसके टेल के साथ, हेड टेल के साथ, यानी इसमें ये सेम ऑर्डर में, तो इन सब का रिजल्टेंट हम क्या करेंगे, इसको एक क्लोजिंग साइड लेंगे, थर्ड जो नेक्स्ट रिजल्टेंट जो लेंगे वो रिजल्टेंट हमारे पास इन सबका क्या देगी, क्लोजिंग साइड, यानी इसको पूरे को बंद कर दिया, ये क्या देगा हमें, इनका रिजल्टेंट देगा, और किस साइड होगा, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, तो ये क्या देगा, रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इन चारों के कंबाइंड के इफेक्ट के, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। अगर मान लो आपने ये जो फिफ्थ वेक्टर लिया है, अगर इसको भी आप सेम ऑर्डर में ले लेते हैं, मान लो पहले से आपके पास चार वेक्टर थे, ये क्या है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, ये क्या है हमारे पास सी वेक्टर, ये क्या है डी वेक्टर, और ये क्या है ई वेक्टर, तो ये क्या हो गया, इन सबका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। अगर आपके पास सारे वेक्टर सेम ऑर्डर के अंदर है, तो उन सबका हमेशा रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, जब भी आपके पास में ओपन स्पेस के अंदर, यानी ओपन के अंदर अगर क्या है, बहुत सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, तो उन सबको आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल वेक्टर के द्वारा, वो सिंगल वेक्टर हम किधर लेंगे, ताकि वो क्या कर दे, क्लोज लूप बना दे, एक क्लोजिंग साइड बना दे, और वो वेक्टर हमें क्या देगा, उन सबका नेट रिजल्टेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या बता रहा है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, यानी ओपन पॉलीगन का मतलब क्या, अभी एक वेक्टर आपका इधर जा रहा था, दूसरा ऐसे जा रहा है, तीसरा ऐसे जा रहा है, चौथा, यानी कोई क्लोज पाथ फॉर्म नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ओपन के अंदर लाई कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि अगर हम क्या ले रहे हैं, सारे सेम ऑर्डर के अंदर ले रहे हैं, तो इन सबका रिजल्टेंट हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम किधर लेंगे, क्लोजिंग साइड, यानी इन सबका क्या कर दे, क्लोज कर दे। तो ये जो हमारे पास आएगा ये क्या देगा, इन सबका नेट रिजल्टेंट देगा, अपोजिट ऑर्डर के अंदर होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है कि आपने आर को कैसे ले दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल। तो इसको देखने के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे।
तो देखो प्रूफ क्या आएगा, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है बी वेक्टर, ये क्या है सी वेक्टर, ये क्या है डी वेक्टर, और ये मैंने क्या लिया ई वेक्टर। मैंने चार वेक्टर्स की बात कर रखी तो ये चार ही लुआ, ठीक है। तो यहां से देखिए ए बी सी एंड हमारे पास ये डी, और ये क्या हो गया ई वेक्टर। ई क्या दे रहे हैं सबका नेट रिजल्ट है। तो देखो बेटा हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। देखो ए और बी वेक्टर, इसको मैं नाम दे रही हूँ पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ से आपके पास इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम इसके द्वारा दिखा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बेटा पी क्यू आर के अंदर पी आर किसके इक्वल आएगा, पी क्यू प्लस में क्यू आर, ये किसके इक्वल है ए वेक्टर, ये दूसरा किसके इक्वल है बी वेक्टर के इक्वल। तो इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी के इक्वल हो गया। अब आपके पास देखो एक वेक्टर ये क्या करेगा, एक सिंगल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये हो गया दूसरा ये, इन दोनों का रिजल्टेंट किसके द्वारा, इसके द्वारा दिखाएंगे। तो दूसरा लिखो इन ट्राइंगल पी आर एस। तो बेटा पी आर एस के अंदर पी एस किसके इक्वल आएगा, पी आर प्लस में आर एस। पी आर किसके इक्वल है ए प्लस बी के इक्वल है, सिंगल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल सी वेक्टर की तरह। तो ये हमारे पास क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आप फिर से क्या लेंगे इनका, फिर से ट्राइंगल बन गई पी एस टी इन ट्राइंगल पी एस टी। तो बेटा पी एस टी आपके पास कितना आ गया, यानी पी टी जो आ रहा है, पी टी इन सबका नेट कंबाइंड इफेक्ट दे रहा है। तो ये आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। तो पी टी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, पी एस प्लस में एस टी। पी एस की वैल्यू किसके इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में डी। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, पी टी को हम क्या ले रहे हैं आर ले रहे हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस में डी। क्या देगा ये इन सबका नेट रिजल्टेंट देगा, ठीक है। तो आपके पास पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन यही बताता है कि अगर क्या कर रहे हैं बहुत सारे वेक्टर्स अगर क्या कर रहे हैं सेम ऑर्डर में लाई कर रहे हैं, तो उन सबका रिजल्टेंट हम एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं। और वो सिंगल वेक्टर जो लाई करेगा कौन सी साइड लाई करेगा बेटा, वो अपोजिट साइड में लाई करेगा। तो इस तरह से हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। मैंने बता दिया है ये क्या देगा आपके पास, ऐसे कितने ही सारे पॉलीगन का मतलब क्या, कितने ही सारे वेक्टर्स आपका सेम ऑर्डर में लाई कर रहे हो, लेकिन उन सबका रिजल्टेंट आप एक सिंगल लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा उन सबका, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टॉपिक है हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। जब भी हम वेक्टर्स का एडिशन लेते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले क्या करते हैं ये कॉम्यूट करते हैं वेक्टर एडिशंस। आर कॉम्यूटेटिव मीन्स आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये कॉम्यूट करेंगे यानी इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो यानी कॉम्यूट कर रहे हैं। तो कैसे हम इसको दिखाएंगे, इसको दिखाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, दो वेक्टर्स ले रहे हैं। मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास ये बी वेक्टर। हमने क्या किया यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया इसको प्रूव करने के लिए, ये आपके पास ए है ये भी बी वेक्टर है और ये इधर से ऐसे हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ये कौन सा है ए वेक्टर, ये क्या है बी, और ये क्या दे रहा है इनका डायगोनल, डायगोनल क्या दे रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ से ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए लिखना चाह रही हूँ। तो यहाँ से बेटा देखो कैसे लेंगे हम, इसको नाम दे रहे हैं पी क्यू आर एस। इस ट्राइंगल के अंदर इस पैरेललोग्राम में आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक बन रही है पी क्यू आर, दूसरी बन रही है पी एस आर। हम दोनों ट्राइंगल से क्या ले, ट्राइंगल ऑफ एडिशन यूज करें और क्या करें यहाँ से दोनों से पी आर निकालें। एक बार ये वाली ट्राइंगल लेंगे एक बार ये वाली, और दोनों के रिजल्ट को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है।
तो देखिए आपके पास में जो ट्राइंगल बन रही है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इस पी क्यू आर के अंदर पी आर जो आएगा किसके इक्वल आएगा, पी क्यू प्लस में क्यू आर के इक्वल आएगा। अब पी क्यू किसके इक्वल है, ए वेक्टर, और क्यू आर किसके इक्वल है, बी वेक्टर। क्या आ गया भाई, ये पी आर आ गया। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, कौन सी है, पी एस आर। तो इन ट्राइंगल पी एस आर, तो पी एस आर के अंदर पी आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पी एस प्लस में एस आर, और पी एस किसके इक्वल है, बी, और एस आर किसके इक्वल है, ए वेक्टर। क्या है ये, पी आर के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड। कंपेयरिंग कर लो वन और टू को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग वन एंड टू, वन एंड टू बी गैप, ये भी पी आर, पी आर यानी रिजल्टेंट है, तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, बी प्लस ए। तो यानी ये क्या कहलाता है, कॉमिट करते हैं। तो यानी वेक्टर एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या बताते हैं, क्या करते हैं, ये कॉमिट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए के इक्वल लिख सकते हैं। अभी सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, वेक्टर एडिशन आर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, पॉलेगन लॉ ऑफ एडिशन लेंगे। एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, ये ए वेक्टर लिया ये हमने, बी वेक्टर लिया ये हमने, सी वेक्टर लिया, तीन वेक्टर्स इस तरह से लाए गए, इन सब का रिजल्टेंट कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस। सबसे पहले हमने देखा कि आपके पास में ये जो पी आर ट्राइंगल है, दो वेक्टर्स का एडिशन कौन दे रहा है, पी आर, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वी कैन राइट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस में क्यू आर। पी क्यू किसके इक्वल है, ए वेक्टर, और पी क्यू आर किसके इक्वल, बी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी की इक्वल आ गया। अब भाई आपके पास एक सिंगल वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, ये देगा। तो आप क्या लिखेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस में आर एस। पी आर किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर हम क्या लिखेंगे, बी और सी का रिजल्टेंट लेंगे, आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या आ गया हमारे पास में, क्यू एस, क्या आएगा बेटा ये, क्यू आर प्लस में आर एस। क्यू से आर किसके इक्वल है, बी वेक्टर, और R से S किसके इक्वल है, C वेक्टर। ठीक है, और इन दोनों का यानी इसमें हमने क्या लिखा, B प्लस सी दे रहा है हमारे पास। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है, B प्लस सी। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों का रिजल्टेंट हम कौन देगा, पी एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी एस किसके इक्वल आएगा, क्यू एस प्लस में पी क्यू प्लस में क्यू एस। तो पी क्यू किसके इक्वल, ए वेक्टर, क्यू एस किसके इक्वल है, पी प्लस सी। तो ये क्या है, पी एस। तो हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये आ गया। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस ए, इस तरह से रिप्रेजेंट। तो ये भी पी एस है, ये भी रिजल्टेंट। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करेंगे इनको, और कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में नेट वैल्यू जो आती है वो किसकी इक्वल आ जाती है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी।
प्लस सी के इक्वल है, यानी ये प्रॉपर्टी आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है ये आपके पास में जो है, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशंस क्या करते हैं, कोमिट करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ में। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे ए सी प्लस बी डी जो है ट्वाइस ऑफ बी सी, यानी कि आपके पास ए सी और बी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो आपके पास में इन डायगोनल्स का जो सम आएगा वो किसके इक्वल दिखा रखा है, ट्वाइस ऑफ बी सी के इक्वल है। तो हमें देखिए क्या लेना है, यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या लिया हमने, इस तरह से हमने ये दो वेक्टर्स दे रखे थे, इसको हमने नाम दिया ए बी सी एंड डी। ये क्या है हमारे पास में, इसका डायगोनल है। ठीक है, ए सी एंड दूसरा बी डी, तो ये आपके पास में बी डी हो गया, ये आपके पास बी डी हो गया। सबसे पहले आपके पास इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे, कौन सी ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए सी जो आएगा किसके इक्वल आएगा बेटा, ए बी प्लस में बी सी। सिमिलरली हमारे पास में दूसरी ट्राइंगल बन रही है, यानी जो कौन सी बन रही है आपके पास में, ए बी डी बन रही है। ठीक है, तो इस ए बी डी ट्राइंगल के अंदर हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी आपके पास में क्या आएगा, बी डी इज इक्वल टू, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, देखिए ये वाला एक तो ट्राइंगल मैंने ये ले ली, अब मैं ये ट्राइंगल ले ली, इन दो वेक्टर्स का आपके पास क्या दे रहा है, ये रिजल्टेंट दे रहा है। तो आपने यहाँ से इसको डी पॉइंट लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, जो सेकंड है हमारे पास में बी डी जो आ रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, यानी देखिए ये ट्राइंगल है बी सी डी ले ली ना, बी सी डी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन तो हमारा ये कहता है ना, दो वेक्टर्स जब सेम ऑर्डर में होंगे तो इस तरह से हेड एड हो गए या सेम उसमें, तो आपके पास ये हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ गई, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस में सी डी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन क्या है सेकंड, दोनों को मैं क्या करूंगी एडिंग, तो एडिंग बोथ वन एंड टू ए सी माइनस बी डी ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस सी डी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ए बी माइनस सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है, किसके इक्वल दिखाना है इसको, ट्वाइस ऑफ बी सी के इक्वल दिखाना है, हमने ऐड करना था बेटा, ये यहाँ एडिशन लो, सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन दिखाना है इसको। तो आप यहाँ से देखिए इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, एडिशन देखना था, हमने गलती से सब्ट्रैक्शन लगा दिया, ये माइनस सी डी। अब देखिए ए बी एंड सी डी, ए बी ये है, सी डी जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख देंगे, यानी क्या आएगा, ये ए सी प्लस में बी डी इज इक्वल टू सी डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस सी डी, सी डी से सी डी कैंसिल क्या आ गया, ये ट्वाइस ऑफ बी सी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना था कि क्या प्रूफ करके दिखाना है, ए सी प्लस यानी डायगोनल्स का जो सम आता है वो ट्वाइस ऑफ बी सी के इक्वल है, यानी ट्राइंगल ऑफ एडिशन से एक बार हमने ये वाली वैल्यू निकाली, एक बार ये निकाली और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, ए सी और बी डी का डिफरेंस लो, तो डिफरेंस ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों को मैं डिफरेंस करूंगी, ए सी माइनस बी डी, तो यहाँ से बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बी माइनस सी डी। ठीक है, अब देखिए बेटा आपके पास में सी डी ये उल्टा है जस्ट, यानी अभी हमने लिखा था ए बी जो है जस्ट है अपोजिट है सी डी का, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस, क्योंकि हमें ए बी के फॉर्म में दिखाना है इसको, माइनस ए बी, तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी है। ठीक है, तो आपके पास में क्या पूछा था, यही पूछी थी
की वैल्यू जो है आप बताइए इनके अंदर ही वैल्यू आएगी। तो आपने जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इन दोनों की वैल्यू को इस तरह से लिखा था और यहाँ से आपके पास में ये प्लस सी डी था, यहाँ मैंने माइनस पहले लगा दिया था, ठीक है। आप ये प्लस रखोगे और यहाँ से आप लिखोगे, देखिए क्या आ जाएगी आपके पास में, ट्वाइस ऑफ ये सी डी, डायरेक्शन उल्टी है। तो आप यहाँ से इसकी जगह ये माइनस सी डी, ये प्लस ले लो, चाहे इसकी जगह माइनस सी डी रखेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट होगी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले मैंने ये लिया आपके पास में पैरेललोग्राम लिया, ए बी सी डी चार साइड्स हैं, तो आपके पास जो ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बेटा ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी फर्स्ट इक्वेशन, फिर दूसरी ट्राइंगल है बी सी डी, बी सी डी इस ट्राइंगल से निकाल दिया, दोनों को मैंने ऐड किया तो ए सी प्लस बी डी किसके इक्वल आया, ए बी प्लस ये ट्वाइस आ रहा है तो टू ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस में सी डी लिख दिया। अब देखो ए से बी इधर जा रहा है, सी से डी ये इधर जा रहा है, उल्टा है ये सी से डी बोल रहे हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट है ये, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए बी बराबर माइनस सी डी लिख दिया। तो यहाँ से आप क्या लेंगे, यहाँ से इसकी जगह ए बी की जगह माइनस सी डी, माइनस है ये प्लस का कैंसिल आउट, तो ट्वाइस ऑफ बी सी आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब सेकेंड दिखाना था मैं, दोनों को मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास में कैंसिल हो जाएंगे, सबट्रैक्ट एक प्लस का एक माइनस का आएगा, तो ए बी माइनस सी डी, अब ए बी क्या है उसका जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे इसकी जगह सी डी की जगह मैंने ए बी की फॉर्म में दिखाना था, तो ट्वाइस ऑफ ए बी आ गया। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ से आपके पास में एक पार्टिकल है जिसके पास में डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना दिया हुआ है, 12 मीटर है, और वो किधर मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। देखो सबसे पहले आप डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में वो 12 मीटर की डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब 5 मीटर वो नॉर्थ में चला गया, 5 मीटर डिस्टेंस लिया वर्टिकली अपवर्ड एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे जाने के बाद 6 मीटर वो वर्टिकली प्लस चला गया, ठीक है। तो यहाँ से इसने पूछा है बताइए नेट जो है मैग्नीट्यूड क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास ये देखो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का जो है रिजल्टेंट कौन देगा, ये देगा, तो आपके पास में यहाँ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, और हमने देख रखा है दो वेक्टर्स का, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो यहाँ से आपके पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आप क्या बताएंगे कि इनका नेट जो आर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 12 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 13 आ जाएगा, 144 प्लस में 25 तो 169, और 169 क्या होता है आपके पास में 13 मीटर, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट अभी कौन ये देगा, ठीक है, फिर से इनके बीच में क्या आ गया एंगल 90, वो ऐसे वर्टिकली चला गया, तो यहाँ से भी आपके पास में 13 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे, तो बेटा ये हमारे पास में नेट ये वैल्यू जो है, यानी कि पहले ओ से ए गया, ए से बी पे, बी से सी, तो ओ सी जो आएगा वो क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, और उसका रूट, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ओ सी का मैग्नीट्यूड जो आएगा यानी कि ये 13 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 169 प्लस में 36 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो पहले वो कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वो नॉर्थ में गया, नॉर्थ से फिर वो वर्टिकली चला गया, वर्टिकली यानी 90 डिग्री का एंगल बना लिया उसने उसके साथ, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाला, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90, cos 90 क्या होता है मिसेज 0, तो वैल्यू क्या आ गई 0 आपके पास ही आ गया। अब एक सिंगल वेक्टर बन गया, दूसरा वेक्टर ही हो गया, तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन से इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, ये देगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा है, दो इक्वल फोर्सेज है उनका रिजल्टेंट भी उनमें से किसी एक के इक्वल है, मान लो आपके पास में एक वेक्टर जो है वो क्या है ए के इक्वल, बी वेक्टर जो है वो भी क्या है ए और बी दोनों सेम है, ये लिख लो क्वेश्चन टू की बात कर रहे हैं हम, और आर की वैल्यू भी जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है, तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा पूछा है यहाँ से, अब आर ए के इक्वल रख लो, ए स्क्वेयर बी को भी ए के इक्वल, ए स्क्वेयर प्लस 2a² cos ऑफ थीटा, तो जब इसका स्क्वेयर करते हैं क्या आ जाता है, ए स्क्वेयर बराबर 2a² प्लस 2a² cos ऑफ थीटा, इसका रूट हमारे पास ए स्क्वेयर, ये रूट कट ही जाएगा यहाँ से क्योंकि स्क्वेयर कर दिया हमने, तो ये 2a²
प्लस टू ए स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर कोस थीटा, दो बेटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई ए से कैंसिल, और माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू कितने एंगल के ऊपर होती है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, थीटा पूछा था यहाँ पे कि जब दो वैक्टर सेम होंगे तो उनके बीच में एंगल क्या आएगा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपके पास दो वेक्टर्स थे पी और क्यू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आर दे रहा है। अभी बोल रहा है कि अगर हम क्यू की डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा एस। तो फर्स्ट देखिए आपके पास ये किस सिचुएशन है, यानी पी इधर जा रहा है क्यू इस साइड है, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन दे रहा है, आर दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में रिजल्टेंट जो आएगा आर का वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos of theta। मान लो P और Q के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और एंगल मैंने बता रखा है किसके बीच में लेते हैं, टेल टेल या फिर हेड हेड के बीच में, तो यहाँ टेल टेल आ रहा है, एंगल थीटा ले लिया। अब सेकंड पार्ट में इसमें बोला है कि अगर आपके पास Q की डायरेक्शन को चेंज, यानी Q की डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दी है, माइनस Q हो जाता है, ये कौन सा था P, यहाँ इसके साथ एंगल पहले क्या बना रहा थीटा, तो ये एंगल क्या बनाएगा 180 माइनस थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम क्या लेंगे, ये लेंगे पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा इनका रिजल्टेंट, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। एक वेक्टर ये हो गया, ये क्यू वेक्टर है, ये आपका पी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर दिखा दिया, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एस दे रहा है, तो एस किसके इक्वल आएगा बेटा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस ऑफ 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा, और माइनस होता तो यहाँ बीच में माइनस लगा दिया, ऐसा आ गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ से इसको देखो ये आर होता है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा, एस की वैल्यू स्क्वायर करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कोस ऑफ थीटा, दोनों को ऐड करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिंग बोथ, एडिंग वन एंड टू क्या देखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ये एक प्लस का एक माइनस यानी कैंसिल हो जाए, वैल्यू क्या आ जाती है ट्वाइस आ जाती है, क्या करना था हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर क्यू की डायरेक्शन को उल्टा कर दे तो बताइए, ये शो करके दिखाइए कि इसकी वैल्यू ये आएगी। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, एक मोटर बोट है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है जिसकी स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हमने डायरेक्शन ली नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि बोट मूव कर रही है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है आपको 25 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि जो वाटर करंट है वो किधर जा रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी ईस्ट ऑफ साउथ यानी इसके साथ एंगल बता रहा है, ये वाटर फ्लो कर रहा है इसके साथ एंगल 60, तो एक व्यक्ति हो गया दूसरा व्यक्ति हो गया इनके बीच में एंगल यानी कितना बना 120 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम कौन कैसे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे जितना इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या कर रहे हो पैरेलोग्राम ड्रॉ कर लो, जितना इसका मैग्नीट्यूड है वहां से आप इसको इस तरह से ड्रॉ करो, ठीक है। एक वेक्टर आपके पास ये था, दूसरा वेक्टर आपके पास ये हो गया, ये आपके पास पैरेलोग्राम आ गया, पैरेलोग्राम का डायगोनल क्या देगा रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी देगा, तो आपके पास में B जो आएगा वो क्या आ जाएगा बोट की स्पीड यानी 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 25 इंटू 10 कोस ऑफ 120, कोस 120 माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या आ गया 625 प्लस 100 प्लस में 500 इंटू माइनस 1 बाई 2, तो ये हमारे पास में 625 माइनस 150, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा 475, ये क्या आ गई इसकी नेट रिजल्टेंट वैल्यू,
और डायरेक्शन अगर पूछता है तो डायरेक्शन एक आइदर ऑफ वेक्टर के साथ में एंगल मान लो कितना बना रहा है बीटा, तो टेन बीटा क्या होता है बी साइन ऑफ थीटा, तो बी क्या कौन सा आपके पास है यानी कोई भी एक वेक्टर ले लो तो हम क्या लेते हैं बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ से आपके पास में बी कौन सा वेक्टर ये ए कौन सा ये, तो बी क्या लेंगे यहाँ पे टेन साइन ऑफ 120 अपॉन में 825 प्लस में 10 कोस ऑफ 120, इसको हम सॉल्व कर देंगे ये क्या देगा डायरेक्शन देगा, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना।